राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिकी सम्मेलन आज से अजमेर के राजकीय तोपदा स्कूल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने की। शैक्षिकी सम्मेलन के दौरान कार्यक्रम में शिक्षक समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें पदोन्नति और भत्तों सहित अन्य समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा भी शिक्षकों को आश्वस्त किया गया कि आने वाले समय में शिक्षक समस्याओं के समाधान में यह नेता अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस सम्मेलन में अजमेर जिले के 700 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। 2 दिवसीय सम्मेलन का यह पहला दिन था, जबकि शिक्षक सम्मेलन के अंतिम दिन यानी कल एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, जिनमें राजस्थान सरकार से उन सभी समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी जिनसे राजस्थान के शिक्षक लंबे समय से जूझ रहे हैं। सर, किस तरीके का सम्मेलन है? और घनश्याम जी भाई साहब को सभा में आके स्वागत करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन 27-28 को जो आयोजित हुआ, आज प्रथम दिन हमारे तोपदना विद्यालय में आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद महोदय श्री भागीरथ जी चौधरी रहे, मुख्य अध्यक्षता श्री विधायक उत्तर एवं भूतपूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी ने करी है। विशेष अतिथि पलड़ा जी रहे, पर्यवेक्षक राजेश त्रिपाठी नाथ द्वारा, और हमारे मुख्य वक्ता उदय जी तिवाड़ी रहे हैं। और आज सभी संपन्न जो हुआ है, इसके अंदर हमने सभी शिक्षक समस्याओं के ऊपर चर्चा करी है, और भी हमारे को जो उद्बोधन मिला है हमें अन्य, उसके लिए मैं आज ये मीटिंग रखी गई, सम्मेलन आयोजित किया गया है। उमेश जी यादव, इसमें करीबन हमारे पूरे जिले से करीबन हमारे जो है आज संख्या हमारे 700 के करीबन संख्या उपस्थित हो रही हुई है। इस सम्मेलन को करवाने का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन में हमारी शिक्षकों की समस्याएं, आज तक हमारे ACP नहीं हो पाया है, DPC नहीं हो पा रही है, जो भी समस्याएं जिपुर जिले की आ रही है उनको हमने दूर करने के लिए आज ये समस्याएं पूरे राज्य सरकार जो हो रही है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन हमने राजकीय उच्च माध्यमिक तोपदना में आयोजित किया है, जिसमें सभी अतिथि पधारे और उन्होंने आकर के हमें अपना उद्बोधन दिया और हमारी हरी समस्याओं का दूर करने के लिए भी आश्वासन दिया। मीडिया से सत्यनारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय।